ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरें। देश भर में बढ़ते मॉब लिंचिंग के मामलों में केंद्र की मोदी सरकार हरकत में आ गई है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्यों को मॉब लिंचिंग की घटना और तेजी से फैलने वाली अफवाहों को रोकने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप के जरिए फैल रही अफवाहों पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र के सभी पुलिसकर्मियों को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने और फेसबुक ट्विटर पर सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका मकसद सोशल मीडिया में होने वाली हलचल पर नजर बनाए रखना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली सरकार और एलजी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में अब ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में जंग छिड़ गई है। दिल्ली के सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल सरकार के ट्रांसफर वाले आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। इस पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अफसरों पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ग्राहकों को फ्लैट नहीं देने के केस में यूनिटेक के कुल 618 एकड़ जमीन की नीलामी का आदेश जारी किया है। जिस जमीन की नीलामी का आदेश दिया गया है वो आगरा, बनारस और तमिलनाडु में है। जमीन की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 41वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान रिलायंस जियो को लेकर 4 बड़े ऐलान किए गए। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि अब 1500 रुपए कीमत वाला जियो फोन व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब ऐप सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जियो गीगा फाइबर, FTTH ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन, स्मार्ट सेटअप बॉक्स सहित नए मॉनसून धमाका ऑफर का ऐलान किया गया। लालू परिवार में विवाद की खबर के बीच RJD के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को राजमुकुट पहनाया और अपना नेता बताया। तेज प्रताप ने कहा कि हम आशीर्वाद देंगे, तेजस्वी को मुकुट पहनाएंगे। कुछ लोग दरारें पैदा करते हैं हमारे बीच। अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए www.abpnews.in पर आपका स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए www.wahcricket.com पर आएं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।